हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है लाइट। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले लाइट में हमारे पास दो पार्ट हैं पूरे चैप्टर में। पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई यहाँ पे लाइट का सोर्स है और ये कोई सर्फेस है, प्लेन सर्फेस। इस पे लाइट आती है जिसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से टकरा के चली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसी में रिफ्लेक्शन में ही हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में और लेंस के बारे में। मिरर पे जैसे तीन टाइप के मिरर हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो उस पे लाइट आती है, किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो सब देख लेंगे हम लोग। फिर आता है हम लोगों का रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जैसे कोई मीडियम इसमें बदलता है, जैसे एयर है। जैसे मान लो आपने एक ग्लास लिया, कांच का ग्लास लिया जिससे लाइट आर पार जा सकती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उसमें वाटर फिल कर दिया, फिर आपने एक पेंसिल डाल दी। तो जैसे मान लो एक ग्लास है तो पेंसिल यूं रखी है, तो अंदर जो वाटर होगा उसमें आपको पेंसिल इधर दिखाई देगी, मतलब थोड़ी कटी कटी। इधर से पेंसिल है तो इधर दिखाई देगी, तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। डेली लाइफ में जैसे आप शिकंजी वाले के पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि जो नींबू होते हैं उसको गिलास में पानी में भर के रख देता है, तो वो नींबू बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो उससे जो है पीपल अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ और उसकी थोड़ी बिक्री बढ़ जाती है। तो उसमें भी जो है नींबू उतने बड़े नहीं होते, हो सकता है नींबू छोटे से ही हो पर उसमें बहुत बड़े दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब जो है मीडियम चेंज होता है तो उसमें लाइट कैसा कन्वर्ट हो जाती है, जैसे यूं आ रही है और ये ग्लास है तो ग्लास में टकराएगी, तो जब थोड़ा डेंसिटी बढ़ेगी तो वो थोड़ा ऐसे करके बेंड हो जाएगी या फिर ऐसे बेंड होगी, कब कौन से मीडियम में कैसे बेंड होगी वो सब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो हम लोग देखते हैं पहले, अपने इसमें दिया गया है पहले छोटे से पैराग्राफ में कि हम लोग बिना अंधेरा हो जाए मान लो इस जगह पे, तो बिल्कुल हम लोगों को लाइट नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो हम लोगों को देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, इतना बताया गया है। कुछ फिनोमिना के बारे में समझेंगे, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन और इसी तरह के कई सारे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, उन सब के बारे में समझेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने साउंड के पढ़े थे क्लास 9th में, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग 8th में भी पढ़ चुके हैं लाइट के। तो लाइट का एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है, और यू हो के मतलब सेम जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल इधर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, और जो नाइन सरफेस के 90 डिग्री से जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो एंगल मेजर करने के लिए हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसी को उतना ही जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन भी जो है दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्पेकुलर, कोई एकदम पॉलिश्ड सरफेस है, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है सरफेस में, तो यूं आएगी लाइट यूं चली जाएगी। ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जैसे कि कोई रफ सर्फेस है, एकदम ऊबड़ खाबड़, ऐसे 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 एकदम ऊबड़ खाबड़ बनी है, उस पर जैसे लाइट आएगी तो वो ऐसे आएगी तो कहो ऐसे चली जाए, ऐसे आएगी तो कहो फिर से बाउंस बैक करके चली जाए। ठीक, ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाए 90 डिग्री। तो फोटो भी लगी है, देख सकते हैं आप। ठीक, तो ये जो है हमारा स्पेकुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी देखें तो अगर जैसे ऐसे 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 कुछ बना है तो इस वाले पार्ट पे ऐसे करके लाइट आई तो वो ऐसे करके चली गई, तो आपको तो लगेगा कि जो है ये रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा गलत हो गया। पर ऐसा नहीं है, अगर उस छोटे से पार्ट को निकाल के देखा जाए, ऐसे जैसे वो पार्ट है इतना सा, तो उस पे भी जो है यूं करके आएगी और यूं करके जाएगी, तो उस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो उस पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर निकलेगा। और स्फेरिकल मिरर में भी ऐसे ही होता है हम लोगों के। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो भी आप समझ गए। दूसरा क्राइटेरिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ वो इंसिडेंट रे, ये जो आने वाली रे है, और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो जाने वाली रे है, नॉर्मल जो 90 डिग्री पे बनता है सरफेस के, वो सब सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं जैसे ये सरफेस है, इस पे यूं आई, इस पे यूं करके आई हमारी इन रे, अब वो ऐसे नहीं जाएगी, वो सीधा ऐसे ही जाएगी, एक ही प्लेन पे लाई करेगी। ठीक है, तो ये सब था हमारा लॉज ऑफ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोगों ने समझ लिया है, किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन, देखो मिरर, मिरर के बारे में अब हम लोग करेंगे। रिफ्लेक्शन मिरर में कैसा होता है, एक मिरर होता है हम लोगों का प्लेन मिरर, जो कि हम लोग कहीं अपना चेहरा देखना होता है उसके लिए रखते हैं, जैसे कि कहीं मेकअप वेकअप वाली जगहों पे भी रखा होता है और सैलून पे भी रखा होता है, जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, एकदम प्लेन। ठीक है, और दूसरे मिरर होते हैं हम लोगों के, आते हैं स्फेरिकल मिरर, मिरर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोगों के दो मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव क्या होता है,
कि मान लो एक बॉल है पूरी, उसका एक पार्ट ऐसे करके काट लिया एकदम सीधा सीधा, तो कुछ ऐसे कर्व करके बनेगा कॉन के। इधर पे जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर को है, इधर पे रफ सरफेस है, तो इधर पे रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं होगा। इधर पे एकदम पॉलिश्ड सरफेस है, एकदम कर्व, एकदम सर्कल का कर्व है, तो जो है वो क्या होता है कॉनकेव मिरर। तो जैसे यहाँ से लाइट आएगी किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी वो भी समझेंगे। तो ये सब जो है यहाँ पे जो पॉलिश जो सर्फेस हो उसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसी पार्ट को हम लोगों ने काटा यूं करके, एकदम आ गया यूं करके, और उसका अंदर का सरफेस जो है वो रफ है, बाहर का स्मूथ है, तो इधर से लाइट आएगी और उस पर टकराएगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर का भी ऐसे ही बनता है, इधर से आएगी यूं टकराएगी जैसे डायग्राम बता रहे हैं, और कॉन्वेक्स का भी ऐसे बनता है, इधर से आएगी यूं जाएगी, कैसे जाएगी वो भी समझते हैं। ठीक है।